सहरसा में सड़क दुर्घटना में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना भेरा थाना अंतर्गत सिहौल की है। मिली जानकारी के अनुसार युवक शौच करने घर से बाहर निकला था, जिसके बाद युवक की लाश सड़क पर मिली। घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। हालांकि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटना स्थल पर पहुंच गई और शव को अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुट गई है। काम से आया सब्जी लेकर के घर में, और उसके बाद बोला हम आते हैं लेटरिंग से। वो जो गया उसके बाद अपना 7:30-8 के लगभग था। उसमें वो कब क्या हुआ वो हम लोग को पता नहीं चला। हम सोचे आप आएगा कहीं से, हम लोग खा पी करके सो गए। सुबह में जब उठते हैं तो इसका हल्ला देखे वहाँ चौक पे, तो हम देखते हैं भाई। मधुबनी जिले में बढ़ रहे आपराधिक घटनाओं को लेकर ग्राम रक्षा दल की ओर से हरलाखी में जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र दास के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उपस्थित सदस्यों को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष ने बताया कि हरलाखी में ग्राम रक्षा दल की सेवा निष्क्रिय होने से क्षेत्र में आपराधिक घटनाओं में इजाफा हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि ग्राम रक्षा दल इस बार पंचायत चुनाव में वार्ड सदस्य की चुनाव लड़ेगी और अपने जनप्रतिनिधि को विधान पार्षद भेजने का काम करेगी। चुनाव में लगातार बलात्कार और गोलीकांड और शराबबंदी, शराब जो है इतना व्यापार ज्यादा बढ़ चुका है कि लोगों में एक डर का माहौल और पैदा हो रहा है। जैसा कि रात में ही एक गोलीकांड हुआ उमगांव में, हम उस समय में इधर ही थे, तो लगा कि नहीं अब जो अत्याचारी उग्र प्रवृत्ति के लोग हैं इनका मनोबल अब बढ़ता जा रहा है। जब हमारी ग्राम रक्षा दल मोतिहारी के इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्र छात्राओं ने धरना प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि कॉलेज प्रशासन ने अचानक जानकारी दी कि सुबह तक सभी छात्रों को हॉस्टल और कॉलेज खाली कर देना है, अन्यथा उन्हें जबरन बाहर निकाला जाएगा, जिससे परेशान होकर छात्रों ने कॉलेज गेट पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में पुलिस और सीआरपीएफ ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर अभियान चलाकर एक माओवादी को गिरफ्तार किया। वहीं इस अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने 22 आईईडी केन बरामद किए। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की थी। जमशेदपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल बीते 12 फरवरी को मानगो थाना क्षेत्र में कुछ अपराधियों ने महिला को घर में बंधक बनाकर लूटपाट की थी। कोल्हान के डीआईजी राजीव रंजन सिंह ने बताया कि गिरफ्तार हुए अपराधियों के पास 2 मोबाइल, मोटरसाइकिल, 3 पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। एक महिला के घर पर अपराध कर्मी अटैक किए थे, अटैक करके उसके यहाँ से मोबाइल छीन लिए थे। महिला घायल हो गई थी। पुलिस काफ़ी मेहनत करके उस गैंग को पूरा डिटेक्ट किया। उसमें 5 आदमी का उद्भेदन हुआ। ये 5 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं, वसीम अंसारी, शहजादा आलम, मोहम्मद शफीक अली, शेख निसार। और शेखपुरा जिले में अपराधियों ने दिन दहाड़े एक हार्डवेयर दुकानदार को गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मृतक नालंदा जिले के चेरो गांव का रहने वाला है। परिजनों का कहना है कि मृतक सुबह अपने हार्डवेयर की दुकान पर बैठे हुए थे, इसी दौरान अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है और मामले की छानबीन में जुट गई है। पहले हुआ है हमसे 5 मिनट पहले हुआ है कोठा पर से आए, तब वो कोई बात कर रहा था 1.5 इंची 2 इंची नट बोल्ट का बात, तराजू पर वैसे रखा हुआ है। इसके बाद हमको समझ में आया कोठा पर से 1 फुट सी आवाज़ हुई। उसके बाद आए कि हम सोचे कि गली में कुत्ता उत्ता ढेर रहता है, गिरा होगा। इतने में वो औरत हमको फोन किए कि राजू जी गिर गए, फोन दौड़ा लाया देखे गिरे। गया में सरकार के खिलाफ किसानों के आंदोलन को लेकर मजदूर संघ ने 2 दिवसीय बैठक बुलाई।
इस कार्यक्रम संघ में 300 पदाधिकारी और लगभग 5000 कार्यकर्ता शामिल हुए। आपको बता दें कि इस बैठक में लोगों ने मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन करने और किसान मजदूर की हल निकालने की बात कही। बोध गया में हमारी जनरल काउंसिल की मीटिंग भारतीय खेत मजदूर यूनियन की हमारी हम संपन्न हो रही है आज। उस मीटिंग में हमें देश की जो परिस्थिति है उसके लिए विचार किया है। हमने निर्णय लिया है कि मौजूदा स्थिति में देश के अंदर जो किसानी का आंदोलन चल रहा। मोकामा में सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला मोकामा थाना क्षेत्र के मिकरा गांव की है, जहां तेज गति से आ रही टैंकर ने एक 10 वर्षीय बालक की जान ले ली। दुर्घटना के बाद गुस्साए लोगों ने शव के साथ सड़क जाम कर मुआवजे की मांग की। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। वैशाली में मॉब लिंचिंग की वारदात सामने आई है। ताजा मामला जिले के महनार थाने के लोदेपुर लखराज गांव की है, जहां ग्रामीणों ने चोरी के आरोप में 4 युवक को बुरी तरह पीटा, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बुरी तरह पिटाई से घायल 2 युवक किसी तरह वहां से भाग निकले। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने एक युवक को किसी तरह भीड़ से छुड़ाकर अपनी सुरक्षा में ले लिया। फिलहाल मौके पर तनाव का माहौल बना हुआ है। पलामू के मेदिनी नगर थाना क्षेत्र में बस स्टैंड के पास महिला के साथ युवक छेड़खानी कर रहा था, जिसके बाद परिसर में मौजूद बस कर्मी और स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़कर उसके मुंह पर मोविल से कालिक पोत दी। आपको बता दें कि युवक के मुंह में कालिक लगाते हुए वीडियो भी बनाया गया, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई है और पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। मोतिहारी के सदर अस्पताल में प्रसव के दौरान महिला की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद आक्रोशित परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। वहीं दोषी डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग भी की। आपको बता दें कि परिजनों का हंगामा देखकर डॉक्टर और स्टाफ अस्पताल छोड़कर फरार हो गए। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। बिहार सरकार के गृह मंत्रालय के विशेष सचिव विकास वैभव ने बगहा में पुलिस जिला रजत जयंती समारोह में भाग लिया। इस दौरान विकास वैभव ने कहा कि युवा पीढ़ी अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर प्रयास करे। कार्यक्रम में बगहा एसपी किरण कुमार जाधव, एसडीएम शेखर आनंद समेत तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। साथ दृढ़ निश्चय के साथ चलती रही है, तो निश्चित जो साधित की कल्पना मन में आज है वह कल रूप गई है। परंतु बाद में यदि आप भ्रमित हो गए, बाल से भटक गए और चाहेंगे कि फिर से वहीं से प्रारंभ करें, संभव नहीं होगा। सामर्थ्य की कमी नहीं है, इच्छा दृढ़ होनी चाहिए, संकल्प दृढ़ होनी चाहिए, निश्चय दृढ़ होना चाहिए। कोई भी कार्य दुष्कर नहीं है। अपने छोटे से संक्षिप्त जीवन में लातेहार के बरवाडी पंचायत के अंतर्गत एसपी की तरफ से सीआरपीएफ में चयनित होने वाली पहली महिला हैं। काजोल के चयन होने के बाद घर में खुशी का माहौल है। वहीं स्थानीय लोग भी बधाई दे रहे हैं। कांग्रेस के प्रमंडलीय संयोजक काजल के घर पहुंचकर उसकी सफलता की बधाई दी। 15 मार्च को रेलवे क्लब में आयोजित होने वाले सम्मान समारोह में काजोल को सम्मानित करने के लिए आमंत्रण दिया गया। काजोल के सीआरपीएफ में चयन होना बड़ी सफलता के साथ हमारे क्षेत्र के लिए गौरव और समाज के लिए प्रेरणादायक है। जमुई जिले के झाझा निवासी गौरव सिंह राठौर को बिहार पुलिस पारितोषिक सम्मान में चयन किया गया, जिसके बाद से जमुई वासियों में खुशी का माहौल है। आपको बता दें कि गौरव सिंह राठौर सालों से सामाजिक कार्यों में अपना योगदान दे रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने
कई सामाजिक कुरीतियों को हटाने में भी प्रशासन की मदद की है। पुलिस पारितोषिक सम्मान समारोह में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गौरव सिंह को प्रशस्ति पत्र के साथ नगद राशि भेंट की। आपको बता दें कि जमुई जिले में पुरस्कार प्राप्त करने के बाद गौरव सिंह राठौर जैसे ही अपने क्षेत्र लौटे तो जिला वासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं माननीय सीएम साहब को, जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण समय दिया। ये पुलिस मुख्यालय पटना के द्वारा जो हमें प्रशस्ति पत्र दिया गया मेरे बेहतर कार्यों के लिए, समाज में शांति कायम रखने के लिए और समाज में जो मैंने अच्छे भले काम किए हैं, मैं अपना तरफ से क्या पढ़ाई करूँ। आप लोग तो खुद देखे होंगे कि मैंने जिस तरह से लोगों के प्रति काम किया है, तो कहीं ना कहीं ईश्वर उसका फल दिया है। आप लोगों का प्यार स्नेह हमको मिला है, तभी तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे मिला है कि माननीय सीएम साहब के हाथों मुझे आज। पटना यूनिवर्सिटी अंतर्गत मगध महिला कॉलेज में नए शैक्षणिक सत्र के कई नए कोर्सेज में पढ़ाई शुरू हो सकती है। इसके लिए कॉलेज प्रबंधन की ओर से जिन कोर्सेज को कॉलेज में शुरू करना है उसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है और प्रपोजल तैयार कर यूनिवर्सिटी को भेजने की तैयारी भी चल रही है। अब तक के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।